हुआ ये, मतलब खैर कोई रोना धोना नहीं है, कोई रोएगा नहीं यहाँ पे, कोई वो नहीं करेगा, सब ठीक चल रहा है। लेकिन यार ये क्या हुआ? अच्छा गेम हुआ, मतलब एक टाइम तक तो मतलब था कि मतलब कि कुछ फंसा हुआ था मैच, बस कुछ जैसे शाहीन जो वो बस क्या कहें यार, बस दिल दुखता है थोड़ा सा। शाहीन थोड़ा सा इंजर्ड हुआ तो वो पूरा ही मैच वहाँ से जो पलटा है तो वो वापस कभी नहीं आया हमारे पास। अच्छा मैच था, अंदर यही बोलेगा, टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, हमारी टीम ने कुछ चीज़ें थी जो बैटिंग में हमें मसला किया हमें, लेकिन हो सकता है कि पिच भी ऐसी नहीं थी। सबने ट्राई किया खेलने का, सब कोशिश यही कर रहे थे, इंटेंट थी सब में, सबसे अच्छी बात ये इंटेंट सब में थी कि मतलब उन्होंने खेलना है और उन्होंने मतलब पुश करना है, स्कोर करना है, ज़्यादा स्कोर करना है, लेकिन वो नहीं हो सका, क्या करें। यही कह सकते हैं कि हार्ड लक भाई, इस आज इंग्लिश दिन था भाई इंग्लिश उनका, तो उन्होंने रिवायत चेंज कर दी है 92 के वर्ल्ड कप की। अब हम बोलेंगे कि 92 का वर्ल्ड कप होगा या फिर 2022 का वर्ल्ड कप होगा, जब नेक्स्ट टाइम जब ऐसा होगा। तो उनकी टीम ने अच्छा खेला, जो अच्छा खेलता है वो आगे जाता है, हमारे बॉलर्स ने अच्छी परफॉर्म भी किया। बस ये कि यही कह सकते हैं कि आज हमारा दिन नहीं था, और कोई इसमें इसका प्रॉब्लम उसका प्रॉब्लम, ऐसी गलती है उसी गलती, कोई कुछ नहीं, मतलब बस ये कह लो कि यार आपका दिन नहीं था। उन्होंने जब उनको ज़रूरत थी उन्होंने मारना शुरू किया हमारे पार्ट टाइम बॉलर के ऊपर, तो उनकी लप्पे लग गए और हम पीछे रह गए, बस ये हुआ और कुछ नहीं हुआ। उसके बाद से उनको मोमेंटम मिल गया और वो आगे चले गए, बस स्टोक ने लगा दिए। तो ऑल इन ऑल अच्छा मैच रहा, और हमने बिल्कुल रोना धोना नहीं किया, और किसी को हमने बुरा भला नहीं कहा, हमने सब कुछ जहाँ जहाँ हमने जीती से बात नहीं बोला, भाई हार्ड लक, इंग्लैंड प्लेड वेरी वेल, मतलब वही वाली बात है कि और हम थोड़ा सा बिलो पार रहे हैं, बस ये कह सकते हैं हम। और मैच देखने को मिला, ये नहीं हुआ कि बारिश की नज़र हो गया, ऐसा भी नहीं हुआ, तो ये भी अच्छी बात है। तो हाँ अब वही क्या ना कि यार आप शुरू से देखना शुरू कर दो, यार लगता है कि यार रिजवान का इनसाइड एज लगना, वो भी विकेटों पे लग जाना, इतना कतरी लग के चला जाना, मतलब वो सब चीज़ें वन बाय वन आपको नजर आती, यार ये थोड़ा सा हमारी किस्मत नहीं साथ दे रही थी पूरे शुरू से ना, तो क्या कर सकते हैं आप, जो होना था वो हो गया। डिसअपॉइंटेड तो होते हैं, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि मतलब तकलीफ तो होती है कि यार क्या है यार, अभी खुशी मना रहे होते हैं हम लोग, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर दोबारा। आजकल तो वर्ल्ड कप एवरी साल हो रहा है भाई, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो अगले साल होगा 50-50, उसके बाद होगा अगले साल 2024 में होगा 2020 दोबारा से, तो अगला साल हो रहा है, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट हो जाएगी, सेटिंग हो जाएगी, कोई बात नहीं। बस फिक्र की बात ये है कि यार शाहीन जो है इंजर्ड हो गया है, वो बड़ी फिक्र की बात हो गई, क्योंकि वही नी का मसला दोबारा से जिससे वो अभी वापस आया था, वो चीज़ बड़ी डर लग रही है कि उसका क्या होगा ना यार। तो होपफुली अल्लाह करे कि मतलब सब कुछ खैरियत से रहे और सब कुछ ठीक ठाक रहे उसके साथ, और आने वाली हो सके होपफुली मतलब सीरीज को उसको रेस्ट रेस्ट कराएंगे आगे वाले, वेस्ट वो जो इंग्लैंड की सीरीज आ रही है उसमें, तो कोशिश ये करें कि वो सही से अब रिहैब में जाए और सही से मतलब 4-6 महीने लग जाए, कोई बात नहीं, अब वर्ल्ड कप के तैयार कर लें उसको, तो ये इम्पोर्टेंट है, तो होपफुली करेंगे। और बाकी ये है कि सारी टीमें जो टूर्नामेंट में आई सबने अच्छा खेला, अपने हिसाब से सबने अच्छा खेला यार, किसी कोई जिस चीज़ की जितनी कैपेबिलिटी थी जितनी भी सबने उस हिसाब से खेला, कोई बुरी बात नहीं है। तो सब अपना अब जो है आगे जाके अपने बाकी टूर्नामेंट देखेंगे कि अपने क्या क्या बायलैटरल सीरीज चल रही है सबकी, वो सब अपने जाएंगे, अपनी फ्रेंचाइज लीग्स में चले जाएंगे लोग, और इंग्लैंड जाएगा ट्रफेलगर स्क्वायर पे रश लगाने के लिए, सब लोग वहां पहुंचे होंगे भाई। आप अगर याद करें 2019 का वर्ल्ड कप जीता था तो लग रहा था कि वहां चलने की जगह नहीं, घंटों घंटों लोग जो है ना वहां लाइन खड़े हुए थे कि जाए यहाँ से, वही हाल होने वाला है दोबारा से। तो इस वक्त वहाँ जश्न मन रहा होगा सही का, क्योंकि वहाँ पे यार वही बात है कि वहाँ पे इतना फुटबॉल का इतना क्रेज़ है ना, क्रिकेट थोड़ा सा सेकेंडरी स्पोर्ट लगता है वहाँ पे, तो वो इस वजह थोड़ा सा आने में ना थोड़ा सा ये छोटी छोटी खुशियाँ उनकी भी हैं, तो हाँ थोड़ा दे देना चाहिए, हमारे बोलते हैं क्रिकेट बहुत बड़ी चीज़ है, तो उनके बोलो क्रिकेट छोटा है, तो थोड़ा खुशी दे दो यार उनके प्लेयरों को, कोई बात नहीं, मजे करो यार जाके आओ, वाली बात है। तो
कोई क्रिटिसाइज नहीं होगा इसमें, कोई वो नहीं होगा, बस ये है कि सबने मैच देखा और देखने में मज़ा भी आया। मैच देखने में भी थर्ड स्टॉप थोड़ा सा हुआ था बीच में, लग रहा था कि 10वें ओवर तक लग रहा था कि बस मतलब गया मैच हमारे हाथ से, फिर खींचा हमारे बॉलर्स ने। फिर जब शाहीन जब इंजर्ड हुआ, जब वो सीन था ना जब स्टॉप हो गया था, बस वहाँ लगा था बस ख़त्म ख़त्म मैच ख़त्म, वो एक फीलिंग आ गई थी उसी वक्त ही ना, वही हमें भारी पड़ गए। बस यही था आज के लिए और यही मेरा रिएक्शन है आज के मैच का, फाइनल का। तो आगे मैचेस में हम दोबारा से देखते हैं और नई वीडियो से दोबारा हाजिर होंगे। वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया है तो अब मुझे अपनी 100 वीडियो का टारगेट पूरा करना है, 100 वीडियो का मुझे वो करनी है। तो और अच्छे के साथ अच्छे से अच्छा करते जाना है मुझे उसको, तो इसलिए मैं कोशिश यही कर रहा हूँ। तो होपफुली इंशाल्लाह फिर आप लोग दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।